गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने छोटे बाबू के साथ बैठी हूँ। इनको आजकल ऐसे ही चलता है कि हमें गोद में उठाओ, देखो कितना खुश हो रहे हैं बात करने के लिए। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, गाइस आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप लोग भी बच्चों के क्लोथ लेना चाहते हैं और अगर आप लोग भी ऑनलाइन अपने बच्चों के लिए ड्रेस मंगाते हैं, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगी कि ऑनलाइन ना लेके आप लोग लोकल मार्केट से लें। क्योंकि जहां पे मैं रहती हूँ, आपको पता है मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो यहाँ पे सदर बाजार, आपको अगर आप गुड़गांव से होंगे तो आपको ये पता है कि गुड़गांव में सदर बाजार भी है। तो मैंने वहां से बच्चों के लिए कुछ क्लोथ लिए थे जो कि मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिले, यानी कि लो प्राइस में मिले, और मुझे लगे कि वही ड्रेस अगर हम ऑनलाइन लेते तो हमें काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, बट यहाँ पे मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिले। तो मैं आप लोग के साथ बस छोटा सा हॉल बेबी की ड्रेस का शेयर करना चाहूंगी। अगर आप लोग भी अपने बेबी के लिए कपड़े लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन ना लेके लोकल मार्केट से अपने ले सकते हैं। सो चलो ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोग को सीधा दिखाती हूँ कि कौन कौन सी मैंने चीजें इस बेबी के लिए ली हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो चीज मैंने ली हुई है वो ली है ये फीडिंग बॉटल। ये देख सकते हैं आप लोग, स्टील की बॉटल है। इसका ढक्कन अभी पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो ये फीडिंग बॉटल है और ये स्टील की बॉटल है और काफी अच्छा है। मतलब अगर आप लोग प्लास्टिक की बॉटल पे या कांच की बॉटल पे बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो बहुत खराब होता है। वैसे भी आप लोग को पता, अगर आप लोग मदर हैं तो आपको पता होगा कि स्टील की बॉटल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, और अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेती है तो वो एक ही दिन में खराब हो जाती है। इधर से मतलब उस पर एकदम से जैसे मक्खन या दही सा जम जाता है, तो जो बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैंने ये लोकल मार्केट से लिया हुआ स्टील की बॉटल। और सो इसका जो मुझे प्राइस पड़ा वो 300 के आसपास का पड़ा, और अगर आप लोग इसे ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन आपको पता है ये 450 के आसपास का आपको पड़ेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 100 रुपीज तो आप लोग के बच रहे हैं, तो आप लोग लोकल मार्केट से इसे ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये। हमने कल ही इसे परचेज किया और आज से ही, मतलब कल से ही हम बेबी को इस पे फीड कराना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज ये है। हे गाइस, दूसरी जो चीज मैंने बच्चे के लिए ली है वो है, मैंने कुछ उनके लिए ड्रेस ली है। तो सबसे फर्स्ट मैंने ली है ये, आप देख सकते हैं, ये है एक जैकेट या हुड बोल सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरीके का है और पूरा स्ट्रेचेबल है, ये देखिए पूरा स्ट्रेचेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके बेबी को एक या दो ही महीने ये चलेगा, नहीं, अगर आप लोग एक साल बाद इसे पहनाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये देखिए, सो जो ये मुझे इसका प्राइस जो मुझे पड़ा वो 100 रुपीज के आसपास का पड़ा। तो फर्स्ट मैंने लिया हुआ है ये। सेकंड जो मैंने लिया हुआ है सेम उसी कलर में है, बट ये एक स्वेटर है, ये देख सकते हैं आप लोग, स्वेटर है कुछ इस तरीके की है और इसका प्राइस भी सेम 100 रुपीज है। तो ये भी काफी अच्छा लगा और काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, ये खुद देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है। वही मैंने तीसरा जो इसको लिया हुआ है वो लिया हुआ है फिर से एक हुड, ये देखिए आप, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है बट हुड लिया हुआ है, बाकी सारा वर्क जो भी प्रिंटेड है सेम है। तो इसका प्राइस भी 100 रुपीज है और ये भी काफी अच्छा मुझे लगा। और बाहर से आप लोग देखेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है, एक होता है ना खुरदुरा सा, अगर हम हाथ लगाते हैं तो थोड़ा अजीब सा फील हो, जैसे हमने कम्बल वगैरह रखी हो, बट ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, आप लोग खुद देख सकते हैं काफी ज्यादा ये सॉफ्ट है। तो ये भी 100 रुपीज के आसपास का मुझे मिला। तो कुछ मैंने लिए हैं बेबी के लिए वॉर्म इनर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमें विंटर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे टॉयलेट बहुत ज्यादा करते हैं विंटर में, वैसे भी बच्चे करते हैं बट विंटर में बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ड्रेसेस कम पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैंने कुछ ये ली हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अभी इनका ये भी नहीं निकाला हुआ है, तो कुछ ये ली हुई है, ये चार मेरे को पड़ी 100 रुपीज के आसपास की, और अगर इनको मैं ऑनलाइन लेती तो 200 या 300 मुझे देने पड़ते, बट फोर पीस मुझे मिले 100 रुपीज में। बाकी मैंने लिया हुआ है ये दो इनर, ऊपर की गर्म इनर है ये, जो कि बच्चों को पहना देती, थोड़ी सी बड़ी है, मे बी ये 1 ईयर तक की होंगी, तो थोड़ी सी हमने बड़ी ली है क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े कपड़े ही पहनाने बच्चों को अच्छा होता है, छोटे छोटे पहनाएंगे विंटर में तो ठंड उनके अंदर आ जाती है, तो इस वजह से ये थोड़े से बड़े में लिए हैं। और ये दोनों 100 रुपीज में मिले, यानी कि एक नहीं दोनों पीस मुझे 100 रुपीज में मिले। तो बस गाइस, कुछ इतनी सी ही शॉपिंग मैंने की थी, ज्यादा शॉपिंग नहीं की थी बेबी के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के घर में भी बेबी है, आप लोग भी ऑनलाइन कोई चीज लेते हैं, हमने भी इनके लिए ली है ऑनलाइन चीजें जो हमें बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ी, तो हमें लगा कि नहीं एक बार लोकल मार्केट जाके देखना चाहिए कि वहां पे क्या प्राइस में हमें कितना मतलब मिलता है। सो मुझे लगा कि हाँ, अगर आप बेबी के कपड़े हम लोग लेते हैं तो ऑनलाइन ना लेके आप लोग
ऑफलाइन यानी कि लोकल मार्केट से ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्राइस में वहाँ पे मिल जाएंगे कपड़े, और वही कपड़े मिलेंगे जो आपको ऑनलाइन दिखते हैं या जो आप लोग लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग को मेरा ये हॉल वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा तो नहीं था कि मैं आपको बोलती कि आप किसी वेबसाइट से ले लो, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग ऑनलाइन बच्चों के कपड़े लेते हो तो आप लोग ऑनलाइन लेके ऑफलाइन ले लो, लोकल मार्केट से ले लो, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं और वही कपड़े मिलते हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन दिखते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये छोटी सी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी विंटर में अपने बच्चों के लिए ये वुलन के कपड़े लेना चाहते हैं तो आप लोग लोकल मार्केट से लें, ऑनलाइन न लें, लोकल मार्केट से आप लोगों को आसानी से बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। सो गाइस चलो यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आपके आप लोग को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।